हम 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 दुआ कि कि प्रेशर प्रेशर में ना आए हमारे प्लेयर्स प्लेयर्स इंडिया इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता ही ऐसा है जो हैं 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 वो अंडर प्रेशर होते हैं। अभी हम इंडिया की की विकेट्स आपको दिखाते अच्छा जब हम पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करते हैं, तो से सोलह रन देकर चार विकेट्स ली बिल्कुल और बैट्समैन को कोशिश की कि बैट्समैन एफर्ट करके वहाँ पे रनस बनाए तो उसमें एक दो तो लूज़ शॉट्स भी थे इंडियन प्लेयर्स के लेकिन उसके अलावा इनकी कंसिस्टेंटली अगर उन चार ओवर में इनका पिच मैप देखेंगे ना आप तो बहुत ही एक तो वाइड बिल्कुल उन्होंने बित नहीं दी बिल्कुल विकेट टू विकेट रखा और थोड़ा खिंचा हुआ बॉल किया जो कि थोड़ा सा एट मीटर लेंथ जिसको कहते हैं जो आके हमेश थोड़ा सा भी बाउंस मिले तो वो स्टिकर पर आके बॉल लगता है तो उस उस पार्ट पर ना बैट में इतनी जान नहीं होती और वो अक्सर आपका टाइम उस तरीके से नहीं होता तो आई फील के उस एरियाज में बॉल करके उन्होंने उस प्रेशर को डेवलप किया और बैक टू बैक विकेट मिलना यू नो चार विकेट जब टीम बहुत अच्छा जा रही हो तो रेयरली होता है लेकिन उसकी वजह से फिर आप पूरा मैच का सिनेरियो जिसको कहते हैं ना पलटा खा गया मैच पलट दिया, दिया मैच तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की इनिंग में भी ऐसी सिचुएशन अल्लाह ना करे आए अल्लाह क्योंकि जब आप इस तरह की पिच पे विकेट्स बैक टू बैक लूज करते हैं ना तो एकदम से प्रेशर आता है और नए बैटर्स के लिए मसला होता है